इस न्यूज के प्रायोजक हैं श्री निरंजनम टीवीएस बिलासपुर रोड मुंगेली। चुनाव आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न करवाया जाना तय किया गया था। इसके साथ ही प्रदेश में पहले चरण का निर्वाचन 12 नवंबर को संपन्न हो चुका है व दूसरे चरण का निर्वाचन 20 नवंबर को संपन्न करवाया जाना है। यानी दूसरे चरण के निर्वाचन में कुछ ही दिन शेष हैं, जिसको देखते हुए जिला निर्वाचन विभाग काफी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस कप्तान पारुल माथुर के निर्देशन में निर्वाचन संपन्न करवाने हेतु आए हुए 21 कंपनियों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के संवाद सभा कक्ष में हुए इस बैठक में अधिकारियों को मुंगेली के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताया गया, साथ ही निर्वाचन हेतु अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जिले में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए मुंगेली जिले को टोटल 21 कंपनियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि 5 कंपनियां BSF की, 5 कंपनी ITBP, 5 कंपनी RPF और 5 कंपनी SAF MP की आई हैं। इसके अतिरिक्त EVM सुरक्षा के लिए 1 कंपनी CRPF की आवंटित हुई है। ये सभी फोर्सेज कल देर रात और आज सुबह मुंगेली पहुँच चुकी हैं और आज इन सभी के सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग ली गई है और इन सभी को हिदायत दी गई है कि किस प्रकार से पूरी चुनाव में ड्यूटी करनी है। मुंगेली जिले के बारे में पूरी समझाइश दी गई है कि किस प्रकार का इलाका है, जिससे कि वो लोग जो बस्तर से ड्यूटी करके आ रहे हैं और यहाँ की ड्यूटी में क्या भिन्नता होगी और क्या यहाँ पे किस प्रकार से ड्यूटी करनी है, उस संबंध में पूरी समझाइश दी गई है। इसके अतिरिक्त जो पूरा बल आया है उसकी भी इंडक्शन ट्रेनिंग और पोलिंग डे में क्या ड्यूटी करनी है, किस प्रकार से करनी है, वो अलग अलग स्थानों पे अगले 2 दिनों में संपन्न की जाएगी। साथ ही साथ हम जितने भी कोटवार, फॉरेस्ट गार्ड और होम गार्ड को पोलिंग ड्यूटी में उपयोग कर रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग आज विभिन्न जगह पे चालू है। मुंगेली से विवेक जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाझर।